हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करें कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो जॉब अपडेट निकाला गया है लेक्चरर के पोस्ट पे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी के पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो फुल डिटेल वीडियो है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लास्ट में ये मत बोलिएगा कि हमें छूट गया, इसलिए पूरा देखिएगा। बिना आपका समय गवाए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है और जो पोस्ट यानी जो वैकेंसी है वो है 124 पद पे। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है यानी फॉर्म भरना जो स्टार्ट हो रहा है वो 18 जून 2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। और जो लास्ट डेट है, जो अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने का, वो है 15 जुलाई 2021। यानी कि 15 जुलाई 2021 से पहले इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, 18 जून से 15 जुलाई के बीच में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और आसान भाषा में शैक्षणिक योग्यता वो है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि जिस विषय में, किसी भी विषय में, संबंधित विषय में आपको मास्टर का डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। हमें अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की, तो वह 21 साल से लेके 40 साल के बीच में। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट यानी जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए। और जो रिजर्व्ड क्लास है, जो आरक्षित वर्ग हैं जिसमें ओबीसी एससी एसटी और बाकी सब आते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। क्या दूँगा डिस्क्रिप्शन में? डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आया था लेक्चरर पोस्ट के लिए वो डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है, जो आवेदन शुल्क है, वो है जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपया है, एससी एसटी के लिए 65 रुपया और पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 25 रुपीज़। तो आप इस फॉर्म में यही मतलब यही है 125 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 65 रुपया है और पीएच के लिए 25 रुपया है। इसको जैसा भी माध्यम है इसको जमा करने का, उस हिसाब से जमा कर लीजिएगा, करवा दीजिएगा या कर दीजिएगा। वैकेंसी डिटेल्ड की बात करें तो लेक्चरर पोस्ट वैकेंसी है, मैंने पहले बता दिया है, लेकिन इसमें किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन लेक्चरर कितना पोस्ट है वो मैं बता देता हूँ। फिजिक्स के लिए है 30 पोस्ट, केमिस्ट्री के लिए 26 पोस्ट, बायोलॉजी के लिए 33 पोस्ट और मैथमेटिक्स के लिए 35 पोस्ट। तो कन्फ्यूज मत होइएगा किसके लिए कितना पोस्ट है, ठीक है। सैलरी होगा आपका 9,300 से लेके 34,800 पर मंथ के बीच में। और अप्लाई कैसे करना है वो लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, uppsc.up.nic.in। यहाँ पे जाके आपको पढ़ना है, इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है और फिर अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करने से पहले एक खास बात बताना चाहूँगा कि आप जाके पहले इनका ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आया था लेक्चरर पोस्ट के लिए उसको डाउनलोड कीजिएगा, जो मैं लिंक पीडीएफ का डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसको पूरा पढ़ने के बाद उसमें भी लिख दिया था कि कहाँ से अप्लाई करना है, उसको देखने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। उसमें फुल डिटेल आता है कि क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट जमा करना है, सारा कुछ रहता है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें आपके बारे में जानने का मौका मिले। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी वीडियो मिले और वो भी इसके लिए भर सके फॉर्म। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वैसे तो आप सब मीम सब शेयर करते रहते हैं, इसको भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी मदद मिले। लास्ट में एक अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस समय है तो 2 गज दूरी का पालन कीजिएगा और मास्क जरूर पहनिएगा। अगर 18 साल का उम्र हो चुका है तो आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा और दूसरे को मोटिवेट कीजिएगा। सोशल मीडिया के ट्रस्टेड सोर्स पे ही बिलीव कीजिएगा और अफवाह को मत फैलाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। तो पढ़िए और दूसरे को मोटिवेट कीजिए और मोटिवेट रहिए खुद भी। जय हिंद, जय भारत।